मतलब मैं आपसे इतना इन्फ्लुएंस हूँ कि मुझे आपको अपना रक्त देना है, माँ मैं आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं अपना कष्ट दे के आपका एहसान जताना चाहता हूँ, आपने मुझे कुछ दिया है। ये होता है, आत्माओं को अभी नहीं दे सकते आप, स्वीकार ही नहीं है। प्रेत सिद्ध करना और ये सब चीजें क्या होती है? कई बार वो कहते हैं यक्षिणी, प्रेत और इस तरीके की चीजें, कई और भी चीजें होती हैं, तो वो सब क्या है? डार्किनी, कुछ इस तरीके की शक्तियां, ये शक्तियां कैसी होती हैं और ये कहाँ से काम करती हैं और इन्हें कैसे सिद्ध किया जाता है? बेसिकली अपने बंदूकें तो परमाणु बम लोग क्यों बनाते हैं? काली शक्ति देवी है अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसी ये शक्तियां भी हैं। इनको सिद्ध करना कभी कभी हम सब लोगों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी आ गई, आती रहती है, उनसे लड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो ये शक्तियां वहां काम करती हैं। आप किसी काली शक्ति को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उन योनियों को सिद्ध कर रहे हैं, हमको वश में नहीं कर रहे हैं। योगिनी क्या है? योगिनी बहुत प्रकार की होती है, सुधा सुंदरी योगिनी, मनोरिसिक योगिनी, अंटक योगिनी, कामिनी योगिनी, कामेक्षी योगिनी, ये होती है योगिनियां। ये कई प्रकार के वर देती हैं, सबसे पहले सुधा सुंदरी योगिनी बताता हूँ। अगर आप रूप चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, आप चाहते हैं मनमोहक दिखाई दें, अब इस योगिनी को सिद्ध कर सकते हैं। मनमोहिनी योगिनी, मनमोहिनी योगिनी बेसिकली क्या करती है कि आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति पैदा कर देती है। आपने कई लोग देखे होंगे ना कि वो सामने जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये क्या है? सम्मोहन है। कनकावती योगिनी ये क्या करती है? ये धन देती है। आपने देखा ना बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत गरीब है, एकदम अमीर बनना शुरू हो, पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। योगिनी सिद्धि ये भी होती है। यक्षिणी है, अशोक यक्षिणी अशोक के पेड़ पे रहती हैं, को सिद्ध करते हैं पैसा मिलता है। वटी यक्षिणी है, वट पे रहती हैं, वट के पेड़ पे सिद्ध करते हैं पैसा मिलता है। जल योगिनी है, जल में रहती हैं। बहुत सारी योगिनी हैं, अप्सराएं हैं, अप्सरा तिलोत्तमा है, रत्न गर्भा है, रत्न की प्राप्ति 100% होगी, तिलोत्तमा है रूप की प्राप्ति होगी, आपको अभी बूढ़े दिखेंगे ही नहीं। आपने बहुत लोग देखे हैं बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरा चमक रहा है और भाग रहे हैं, ताकत इतनी है। ये सी योगिनी है, शक्तियाँ हैं, आप आराम सिद्ध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हें सिद्ध कैसे किया जाता है? मंत्रों से। अच्छा, कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। आपको साधना नहीं आती मत कीजिए, आपको कवच नहीं आता मत कीजिए, क्या बोलना है? महादेव रक्षा करो, दीपक जलाओ, माला लो, कमला बंद करो, मंत्र पढ़ने शुरू कर दो, सिद्ध होगी। अच्छा, विधान नहीं आता टेंशन मत लो। उनके कोई मंत्र होते हैं? सबके सबके अलग अलग। ओम श्री रंभा आगच्छ आगच्छ नमः, रंभा अप्सरा है। ओम ह्रीम कंकावती यक्षिणी प्रत्यर्थे नमः, ये योगिनी आ गई। ओम ह्रीम चा पे सिद्धये मम गृहे शक्ति प्रदायिनी रक्षिते चा मम शरीरे रक्षिते चा नमः, ये प्रेत मंत्र है। डाकनी मंत्र, ओम नमो डाकनी क्रीम 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 श्रीम 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 हम, इसका प्रयोग होता है वशीकरण में। डाकिनी बहुत बड़ा काम करती है। यूजुअली वशीकरण अगर हम करते हैं तो हमें एक महीने का टाइम चाहिए होता है लगातार कार्य करने के लिए, लेकिन डाकिनी के मंत्रों से सिर्फ 3 दिन हो जाता है। शाकिनी डाकिनी दोनों का मंत्र पढ़ोगे 3 घंटे रिजल्ट आएगा, अगर आपके पास आसन सिद्ध है तो। आसन सिद्ध नहीं है तो 1 दिन आपको आसन सिद्ध करने के लिए चाहिए, तो मंत्र बहुत होते हैं। आसन सिद्ध करना क्या होता है? आसन सिद्ध मीन्स जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपने बैठने पर लाइट वाइट ऑन करी, कमरे की एसी चलाया, बैठ पाए ना, उसके बाद आप पहले बैठ नहीं सकते। ऐसे ही हमारा आसन है। अच्छा। जल छिड़केंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गौमूत्र छिड़केंगे, उसका आसन मंत्र होता है ओम श्री आसन कीलनाय चा नमः, आसन सिद्धये नमः, आसन आचमने नमः। जल छिड़केंगे दाहिने हाथ से, विनियोग करेंगे, फिर चुटकी बजाएंगे, दिशा कीलम कहते हैं इसको, उसके बाद आसन कीलते हैं तब उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये होता है साधक। ठीक, आपने बोला डाकिनी और शाकिनी, डाकिनी क्या होता है, शाकिनी क्या होती है? ये दासियां हैं माँ काली की। अच्छा, माँ ताला की दासियां यही हैं। अच्छा, ये चौषटी योगिनी होगी। जी 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 जी। तो डाकिनी क्या है? बेसिकली माँ ताला के राइट में रहती हैं, शाकिनी लेफ्ट में रहती हैं। अच्छा। जब भगवान श्री राम से रावण युद्ध किया था तो उन्होंने माँ ताला को सिद्ध किया था। अच्छा। तो उनके दोनों तरफ जो डाकिनी शाकिनी थी वो अग्नि फेंक रही थी भगवान श्री राम की सेना के ऊपर, लेकिन वहां खड़े थे हनुमान जी,
तो हनुमान जी के कारण वो शक्ति वहां नहीं पहुंच पाई। और जब माँ ताला ने देखा कि श्री राम वहां खड़े हैं विष्णु जी के रूप, तो माँ ताला ने रावण को ही सजा दी उल्टी कि तू गलत नियम से युद्ध कर रहा है। तो क्या है कि अब कलयुग में आज के समय में देवता तो नहीं आते पृथ्वी, इनकी जो अनुचर हैं वो आते हैं, मतलब आप समझ लेंगे सेक्रेटरी लाइक दैट, ये लोग वहां वो आते हैं, ये उनको सिद्ध किया जाता है। बहुत बड़ी शक्ति है डाकनी शाकनी। देवियों को सिद्ध किया जा सकता है? हाँ, देवियों को किया जा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं कर सकते आप सिद्ध। अच्छा, मतलब अगर माँ तारा है, माँ तारा को किया जा सकता है? नहीं। अच्छा, उनकी साधक बने जा सकते हैं। आप साधना कीजिए, सिद्धि भी कीजिए, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध क्या होता है? सिद्ध वो है जैसे मैं आप सामने बैठे हैं, यह असंभव है। लोग बातें करते हैं मैंने सिद्ध किया है, सिर्फ झूठ बोलते हैं, संभव नहीं है। तो जैसे आपने डाकिनी शाकिनी बताया, इसी तरीके से और भी तरीके के तंत्र विद्याएं, तंत्र विद्याओं में भी अलग अलग प्रकार होते होंगे, तो ऐसे किस किस तरीके की प्रक्रिया होती है? क्योंकि 64 योगियों के जो मंदिर हैं, तो पूरे भारत में 2 मंदिर है, पूरी दुनिया में 2 मंदिर है सब बोला जाता है। तो ऐसे ही माता काली है, उनके बहुत सारे मंदिर है। तो जादू है, जो जादू टोना, उसमें कई बार जादू टोना को लेकिन गलत भी बोला जाता है, तो काला जादू और तंत्र में कोई अंतर होता है? बिल्कुल होता है। बेसिकली समझिए, दोनों बंदूकें हैं, काला जादू भी और तंत्र भी। अब एक बंदूक को यूज मैं करता हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए, एक से मैं किसी को मारता हूँ, गलत कौन सा है? जिसे आप मार रहे हैं। राइट। तंत्र बेसिकली हमारे कार्य को पूर्ण करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हमारी इच्छाएं पूरी करता है बिना किसी को कष्ट दिए। हम क्या करते हैं, तंत्र क्या है, एक मंत्र मान लीजिए, अब छोटा सा मंत्र मैं आपको बताऊंगा। ओम नमो शाबलाय मम इच्छा पूर्णयाति च नमः। मैं किसी का बोला बोला, किसी को गाली दी, कदर किया, किसी का कुछ छीना, नहीं छीना ना, मेरा मंत्र क्या है, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। ये मंत्र मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मान लीजिए ये मंत्र मैं कर रहा हूँ महादेव के लिए। महादेव मुझे क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं पूरा करके, क्योंकि एनर्जी से कमी तो है नहीं। बट दूसरा मंत्र, चलिए नाम आप बताइए, कोई भी नाम मैं आपको बताता हूँ, मंत्र बताता हूँ। नाम मतलब काला जादू के लिए कोई नाम बताइए, कोई भी नाम। स्नेहा। स्नेहा। अब मान लीजिए हमें स्नेहा को मारना है, खराब करना है, बीमार करना है। ओम नमो काली शमशान वासिनी पेत बाधा परिष्यति स्नेहम शरीरे शक्ति ही चाह। माँ काली का नाम लेके प्रेत को बुलाया जा रहा है कि स्नेहा के ऊपर अटैक करो। अच्छा। अब समझ रहे हैं, ये काला जादू है ना, मैं इसको करता हूँ ना मैं इसको किसी को करने की परमिशन देता हूँ। अच्छा। बिल्कुल गलत है। तो सर एक शब्द और सुनाई देता है जिसका नाम है मुठकरनी। जी, तो मुठकरनी क्या होता है? मुठकरनी काला जादू का ही पार्ट है। अच्छा। किसी के ऊपर मूठ चलाना, यानी कि चाकू चलाना उसको मारने के लिए। इसकी मेरे साथ लाइव घटना हो चुकी है। हरिद्वार में मैं किसी के घर पे यज्ञ कर रहा था, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ था, वो नवरात्र के दिन थे। बेसिकली मैं किसी का हवन करने नहीं जाता, लेकिन वो मेरे फैमिली मेंबर जैसे थे तो मैं जाना पड़ा। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ हम क्या करवा रहा ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, जाप करवाते हुए मुझे थोड़ा सा बेचैनी का आभास हुआ, मैं अलग कमरे जाकर थोड़ा ध्यान से लगाया, तो मैंने उनसे कहा बेटा कुछ मटकी पानी की, 3-4 मटकी ना इस कोने में रख दो, दक्षिण पश्चिम कोने में, कहीं रख दो। लगने में हाथ क्या रख दी, अच्छा मैं करके नीचे आ गया। 1 घंटे बाद ऐसा लगा मटकी फूट गई हो, भयंकर मटकी। हम लोग भाग के छत पे गए, ब्राह्मण अपने पढ़ाए पूजा करते रहे। अच्छा, हम जब छत पे गए तो मटकी टूटी पड़ी थी, उनमें काले रंग की कील पड़ी थी, इतनी बड़ी कील। अब आप समझिए कि वो मैंने कुछ नहीं किया था, उसके अंदर दुर्गा सप्तशती की शक्ति ने उस मटकरनी को खत्म कर दिया था। वो कील घर में प्रवेश करती है बिना छेद किए, और शरीर में प्रवेश करेगी बिना छेद किए, बिना आभास हुए, और इंसान धीरे धीरे तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसे कहते हैं मुठकरनी। अच्छा। जी, मूठ चलाना। अच्छा। मूठ मतलब चाकू की मूठ। कई बार तांत्रिक अपने शर्त लगाते हैं कि चाकू रखा है बीच में, मैं मंत्र पढ़ूंगा तेरी तरफ जाएगा, तू मंत्र पढ़ेगा मेरी तरफ आएगा, किसी एक के सीने में जाकर चला जाएगा, वो मर जाएगा, दूसरा जीत जाएगा। ऐसी शर्तें तांत्रिकों में लगती हैं, अब तो खैर पता नहीं, पहले लगती थी असम में कामाख्या के पास।
कामाख्या का आपने जिक्र किया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसी से पहले जब आपने मुटकनी के बारे में बताया तो ऐसे बहुत सारे वो देखे जाते हैं कि कपड़े का बांध दिया या किसी ने आपके नाम का कपड़ा दबा रखा है जी। ऐसे बहुत बार होता है। इससे पहले मैं भी आगरा में रही तो कई बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने ऐसे बोला कि कपड़ा बांध रखा है, किसी ने तुम्हारा कपड़ा दबा रखा है, शमशान में दबा रखा है या किसी ने अभिमंत्रित करके कुछ कर रखा। तो ये चीजें कहाँ से होती है, क्या होता है? बेसिकली क्या है, जैसे अब आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, और मान लीजिए मैं कोई साधक नहीं हूँ, मैं बस तुम थोड़ा बहुत जानता हूँ, या मान लीजिए मुझे आप पसंद है, मैं आपके साथ एक अच्छा संबंध रखना चाहता हूँ, अब आपको प्रपोज कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे इग्नोर कर रही हैं कंटिन्यू। अब मैंने किसी तरह से आपका कपड़ा हासिल कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। उस कपड़े को मैं ले जाके क्या करूँगा, एक तांत्रिक को दूंगा, वो तांत्रिक चाकू बांधेगा उसको, अगर आपको बुरा करना होगा तब, काला जादू करना होगा तब, काली सरसों, पीली सरसों, नमक, राई, जौ, अगर तगर, कूट, मुलेठी, अश्वगंधा, हरसिंगार, इन सब का पाउडर बनाएगा। अच्छा। उस पाउडर को मिलाएगा शहद के अंदर, उसका लेप लगा देगा चाकू के ऊपर। अब चाकू के ऊपर ओम इति, आपका नाम जो भी, वॉटर में चले स्नेहा नाम ही ले लेते हैं, स्नेहा इति तंत्र करिष्यति चा नमः, मंत्र और भी बहुत सारे, ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, 2100 पाठ किए, उस चाकू पेट्रोल लगा के आग लगा दी, समझिए कपड़ा भी जला दिया, उस कपड़े का जो टुकड़ा है उसका चूरा बना, उस चूरे से यंत्र बनता है एक। अच्छा। इसे कहते हैं मालण यंत्र, अर्ध मालण यंत्र, उसको आपके दूसरे कपड़े में बांधा, चाकू रखा और शमशान में दबा दिया। अच्छा। और यंत्र होता है वो आत्मा आवाहन यंत्र, आत्मा वहां तक आएगी, आपको कष्ट होगा, कुछ नहीं मिलेगा, चली जाएगी, दूसरी आएगी, कष्ट होगा, कुछ नहीं मिलेगा, चली जाएगी, आपको कष्ट देने के लिए। किस तरीके का कष्ट देती है आत्मा? बेसिकली कष्ट क्या होता है, वीकनेस बॉडी की होती है। और मान लीजिए जुकाम हो गया, बढ़ता जा रहा है, वो आपने सोचा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पैर में दर्द क्यों हो रहा है, बढ़ता गया, लोगों को खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोगों को पेट में दर्द हुआ, आदमी खत्म हो गया। बेसिकली ये ऐसा पैदा करता है, इसका रास्ता नहीं मिले कि ये हो कहाँ से रहा है, क्यों हो रहा है, डॉक्टर ढूंढना पाए इसको। ऐसा नहीं कि दुर्घटना में मर गया, ऐसा बहुत कम मारण में किया जाता है, लेकिन बेसिकली तड़पा तड़पा के मरते हैं। आपने बोला ये स्वास्थ्य हानि हो गई कि आपकी हेल्थ बर्बाद कर दो, लेकिन इसमें बहुत से लोग भी होते हैं जिनको बोलते हैं कि अचानक पता भी नहीं चला ना कुछ, ऐसा लॉस भी नहीं हुआ लेकिन पैसा खत्म होता चला गया, तो ये कैसे हो जाता है? लक्ष्मी बंधन। अच्छा, क्या होता है जानना चाहेंगे आप? जी देखिये, पूरा विधान नहीं बताऊंगा ताकि लोग इसका दुरुपयोग ना कर सके, थोड़ा बताता हूँ। आपके घर की मिट्टी ले ली मैंने, काले कपड़े बांधा, लक्ष्मी जी का चित्र बनाया, उसको भी घर का मुख्य का नाम है, उस पर लिखा दिनेश की लक्ष्मी, ठीक है, बंद किया, उसको बांध दिया। बांधने के बाद जो लक्ष्मी बंधन मंत्र है आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा ताकि लोग उसे दुरुपयोग कर सकते हैं, वो मंत्र के लगभग 11,000 जाप होते हैं, मैं कर लूँ ब्राह्मण से करवा दूँ, लोहे के बॉक्स में बांधा, छुपा दिया, दबा दिया कहीं पर, लाफे घर में हो गया लक्ष्मी बंधन, पैसा उतना शुरू, लॉस होगा, पैसा रुकेगा, खोलना भी होता है, अब कहीं खोलने विधान में आपको बता सकता हूँ इसका, इजी है। अमावस की रात को आप 11 नाग केसर लीजिए, नाग केसर एक जड़ी बूटी आती है मिल जाएगी, उसको पीस लीजिए देसी घी के साथ, उससे आपको क्या करना है, 11 दिन लगातार तिलक लगाना है, घर के मुखिया का लगा दो, सबके लगा दो तिलक, लगाओ क्या बोलो, लक्ष्मी आगमन अगच्छ, लक्ष्मी आगमन अगच्छ, बस 11 दिन में आपका लक्ष्मी बंधन खुल जाएगा। ये पता कैसे चलेगा किसी को कि किसी ने लक्ष्मी बांध रखी है? कई बार नॉर्मल लॉसेस होते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे इस वजह से हो रहा होगा, लेकिन कई बार समझ भी नहीं आता है, नौकरी चली जाती है और ऐसी बहुत सारी चीजें, तो पता कैसे चलेगा? दालचीनी होती है, शनिवार को दालचीनी ले लो आप, उस पर 100 ग्राम डाल दो काली सरसों, गाय के ऊपर रखो, नीचे आग लगा दो और पूरे घर में घुमाओ। बेसिकली लाल मिर्ची डलेगी तो नॉर्मल कट कट की आवाज करेगी, बट ये चटर पटर फटेगी, उड़ेगी, समझ लो बंधन आ चुका है। अच्छा। उसका रंग भी लाल हो जाएगा। दूसरा एक हवन कुंड मिट्टी का, उसमें आप कुछ मत करो, केवल कपूर लकड़ी जलाओ, घी डालो, आहुति दो, किस चीज की, चलो आप किसको मान लो, आपके इष्ट है, मान लो आप किशन जी आपके इष्ट है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 आहुति दो, उसके उसमें उंगली लगाना, लाल दिखाई देगा आपको, जब खून होता है। अच्छा। तेल उसका लाल खून जैसा, समझ लो बंधन है। वो एक चाकू
नींबू में डालो, आधा ऐसे डालो कि पार निकल जाए, सिरहाने रख के सो जाओ, सुबह बाहर खींचोगे गुलाबी दिखाई देगा, तंत्र का बंधन है, पता चल जाएगा आपको। तो ये सब चीजें आप ठीक करते हैं? सब करने वाला तो भगवान है, मैं तो माध्यम मैं कौन होता हूँ करने वाला। तो ऐसे ही मैं आपसे बात कर रही थी वही कि एक मूवी आई थी मुंजिया मूवी। जी जी जी। तो उस मुंजिया मूवी में जो एक व्यक्ति था जो कि बचपन में मर गया, तो बच्चा था वो बचपन मर गया, उसकी इच्छा थी किसी से शादी करने की, तो वो इच्छा रह गई, तो वो उस चीज को पूरा करने के लिए उसकी शादी किसी और से हो गई थी, उस लड़की की शादी किसी और से हो गई थी, तो उसकी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं हुई। तो उन लोगों ने उस बच्चे की आत्मा को किसी पेड़ से बांध दिया, इस तरीके की वो कहानी दिखाई गई है। और उसके बाद उसकी मुन्नी, उस लड़की का नाम था, मुन्नी मुन्नी करके वो हमेशा रहा उस पेड़ में रहा, और जैसे ही उस पेड़ से उसको उसी के घर का कोई खून, जो अपना खून घर का अगर उसको लेने जाता है, तो उसके शरीर पर वास करके मतलब उसके कंधे पे बैठ जाता है, इस तरीके से विक्रम वेताल भी हम सुनते हैं, तो वो उस तरीके का वेताल या ब्रह्म राक्षस ये चीजें बन जाता, तो ये कहानी उसकी थी। तो असल में ये होता है बेसिकली, उनको कहते हैं कच्चा कलुआ। अच्छा। कोई बच्चा छोटी उम्र में मर जाए, उसे मार दिया जाए, उसकी आत्मा कहलाती कच्चे कलुए। वो बेसिकली इतनी खतरनाक होती है वो आत्मा कि उसके सामने ब्रह्मनाक्षस भी टिकना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। कई तांत्रिक मिलकर उसको हला नहीं सकते, बहुत ही कोई उच्च योग में पैदा हुआ है, राहु के काल में पैदा हुआ है, नक्षत्र ऐसे हैं तो शायद उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन बहुत कठिन है ऐसे को। अच्छा। बेसिकली जो मतलब मूवी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन आपकी बात तो अंदाजा लग रहा है, इसको थोड़ा सा डिजाइन करके बनाया गया। कच्चा कलुआ बेसिकली कोई इच्छा नहीं रखता। अच्छा। कि कच्चे कलुए जो होते हैं ना, ये बहुत छोटी एज है, मतलब 4-5-6 साल तक के, उसमें प्रेम जो डेवलप होता है कच्चा ही होता है उनकी तरह, उम्र के साथ प्रेम खत्म हो जाता है, फिर जब लड़की नहीं मिलती ना तो वो याददाश्त भी समझ के समाप्त हो जाती है। कच्चा कलुआ अटैक तब करता है, बेसिकली कब करेगा, जैसे उसकी फैमिली को संकट आ रहा है, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके साथ रह रहा है, क्योंकि जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी तब तो रहेगा पृथ्वी पे ही कहीं भी रहे। तो बेसिकली क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं अपने घर से जुड़े होते हैं, इमोशनली माँ बाप से जुड़े होते हैं, वो अपने घर से दूर नहीं जाते। माँ पे कोई संकट आ गया, बाप पे आ गया, भाई पे आ गया, बहन पे आ गया, दादी पे आ गया, तो उन पे वो प्रोटेक्ट करके अटैक करता है सामने वाले, बेसिकली ये होता है। सेकंड कई बार कच्चे कलुए क्या करते हैं कि मान लीजिए गांव में क्या होता है कि उसके बाप को लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, गरीब है, छोटी जाति का है, उन पर अटैक करेगा जाके, वो होता है कच्चा कलुआ। अब रही बात बांधने की, तो बांधने को बांधा जा सकता है कच्चे कलुए, बहुत सरल होता है क्योंकि उस समय शक्ति नहीं होती। अब घर से कोई रक्त लेने आया तो मतलब वो उसको इनविटेशन देने आया है। क्या? हाँ, लेकिन वो सिर्फ घर का नहीं, आप चले जाओ। अच्छा। वो आपके पे चढ़ जाएगा। अच्छा। बंधन से कैसे खुलता है आदमी, या तो बंधन कोई खोले या कोई बुलाए बाहर, तभी तो जाएगा। अब आपने आके आवाज लगा दी, तुम जो भी मेरे ऊपर आ जाओ वो तो आ जाएगा, उससे मुक्ति चाहिए। और आपके ऊपर आके उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से एक जगह कैद है, भयंकर शक्ति हो चुकी, छोटा शरीर इतना कहाँ, इतना बड़ा शरीर, शक्ति सोचिए कहाँ पहुंचेंगी उसकी। ये होते हैं कच्चे कलुए। तो ये नुकसान भी देते हैं अगर कोई अपने ऊपर बुलाए तो, अपने फायदे के लिए, जैसे आपने बोला उनकी मांग नहीं रहती, कोई वो कुछ चाहते नहीं है, लेकिन अगर वो आ रहे हैं, ये तो कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा अगर आपके पास आती है तो वो कुछ ना कुछ बदले में मांगती है। जी। तो क्या वो भी कुछ मांगते हैं? बेसिकली क्या है कि ये एक रोबोट है, जब वो अपने को बुलाए तो उनको कुछ नहीं पता। आपके दो दिन रहे, आपने कहा कि भाई तो शराब भी पी रहा है, तो सिगरेट पी रहा है, तो मुर्गा भी खा रहा है, और मुझे भी चाहिए। आप उनको तैयार करें ना उस चीज़ के लिए। वो तो दुश्मन है, मैं उसको मार दूंगा, कि मेरा दोस्त है उसको प्यार करूंगा, बट उनकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी लड़की को ऐसे में हक कर लीजिए, गले लगा लीजिए, आप तो अलग हो जाएंगे, वो आत्मा अलग नहीं होगी, कि उसने पहली बार किया है काम, उसको सुकून मिलेगा। तो इससे मैं कहता हूँ, कभी भी आमंत्रित मत कीजिए किसी आत्मा को, किसी भी अपने लाभ के लिए आपको हानि ही होगी। आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, वो आप अटैक करेगा, इसलिए आप उनसे दूर रहिए, वही बेहतर है। इस मूवी में एक और सीन दिखाया गया था, जब उसको खत्म करना था तो उस खत्म करने के लिए उसको किसी और जानवर में, मतलब कि उसी के शरीर पे कोई निशान बनाया, वही निशान उस जानवर पे बनाया, और जिस समय वो आत्मा थी वहां पर, उसको उस शरीर में सेम टाइम निशान बना के ट्रांसफर करके उसकी बलि दे दी। ये उसको खत्म करने का कॉन्सेप्ट था उसमें। तो इस तरीके की चीजें भी होती कि आत्मा को किसी और जानवर में आत्मा पलागमन। अच्छा। यंत्र होता है ये। अच्छा।
बेसिक में तीन त्रिशूल बने होते हैं, ओम बना होगा, कुछ प्रकार का होगा, ये आत्मा प्राणात्मा, उसमें पूरा नहीं दिखाया गया होगा, नीचे तीन लाइनें खींची जाती हैं। उसमें क्या होता है कि बेसिकली हम इस प्रकार से उंगली से ना इस यंत्र को पकड़ते हैं, आत्मा को एक्चुअली वो डायरेक्ट नहीं भेज सकते, वो आत्मा किसी बॉडी में से होके जाती है। मान लीजिए आप तंत्र के जानकार हैं, आपने यहाँ मंत्र पढ़ा आत्मा पालागमन, दूसरा रखा उसके ऊपर, लेकिन जिसके ऊपर आत्मा है उसको जंजीरों से लोहे से बांध रखना पड़ता ताकि वो हिल ना जाए। बेसिकली उसको बांधेंगे, गंगा जल रखेंगे आसपास, लहसुन की मालाएं टांगेंगे, गौमूत्र डालेंगे ताकि हिले ना वहां से, क्योंकि तोड़ने जंजीर शक्ति होती है उसके अंदर। पालागमन मंत्र क्या करता है, आत्मा को बहुत स्पीड के साथ यहाँ से लेके यहाँ घुसाता है, दूसरी बॉडी में जाती है, और जैसे उस बॉडी में जाएगी वो जानवर एकदम खड़ा हो जाएगा। खड़ा होते के साथ ही जैसे खड़ा हो जाए उसकी गर्दन काट दो एट ए टाइम, आप ये चाकू मार रहे हो जहर रहे हो कुछ नहीं, सिर्फ गला काटो एट ए टाइम, मरे हुए लाश को खड़ा होने के बाद, तो आत्मा कंट्रोल किया जा सकता है। उसके उसकी जो गर्दन है उस गर्दन को भी जलाना पड़ेगा और गड्ढे दबाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा तुलसा का पेड़, अच्छा, ताकि आत्मा कभी बाहर ना आ पाए, उम्र पूरी हो चली जाए, ये विधान होता है इसका। आपने जैसे मैं एक बेताल, बेताल हमने विक्रम बेताल बच्चे बचपन से सुनते हैं और फिर बोलते भी हैं कि शायद बेताल लग रहा, तो बेताल क्या होता है पहले तो बताइए। बेताल एक प्रेत है, अच्छा, और कुछ प्रेतों से ज्यादा शक्ति उसके अंदर होती है, मतलब समझिए एक गांव का मुखिया वो होता है बेताल, ये कभी भी किसी पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। बेताल असल में कुछ चीजों की खोज में रहता है, कोई बेताल मणि की खोज में होते हैं मुक्ति के लिए, कुछ ऐसे होते हैं बेताल जिनको कहीं का राजा बनना है, जैसे मान लीजिए एक शहर है देहरादून, इस पे एक बेताल का राजा, अब दूसरा बेताल उसका शक्तिशाली होगा तो उस पर राज करेगा, राज होते हैं हर जगह पे, तो मणि की ढूंढता है, तो बेसिकली यहाँ किसी की मदद चाहता है तो बनते हैं बेताल। और मदद क्या होती है, मदद ही उससे मांगेगा जो सक्षम होगा, जैसे राजा विक्रम थे वो शक्तिशाली थे, ज्ञान था, बट क्या था कि अगर बेताल उनको फर्स्ट टाइम में वो चीज प्राप्त करके छोड़ देता तो उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। अच्छा विक्रम को उसको वहां लेके जाना था अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन बेताल उसको बार बार छोड़ के क्यों जा रहा था, क्योंकि लंबा टाइम विक्रम के साथ स्पेंड करना चाहता था। आप समझ नहीं मेरी बात, ये होते हैं बेताल। उसके बाद बेताल किस पे कहाँ आया, नहीं आया, ना ही बेताल कोई सिद्ध कर सकता है। वीर बेताल सिद्ध हो सकते हैं, बेताल सिद्ध नहीं हो सकते। वीर बेताल क्या है? वीर बेताल एक्चुअली इनका एक पार्ट है। अच्छा। एक राजा, उनके सेनापति, मंत्री, ये हैं वीर बेताल। अच्छा। इनकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होती, ये आप सिद्ध कर सकते हैं, ये खून नहीं पीते हैं, बेताल खून पीते हैं। अच्छा। जी, तो जैसे वीर बेताल, आपने बेताल बोला, बेताल क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक योनि, इंसानी योनि में से ही बनता होगा? नहीं, नहीं बनता। बेताल बेसिकली वो लोग बनते हैं जो आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में शैतान की पूजा की है, अब जब उसकी मृत्यु होगी तो शैतान के हाथों में जाएगी उसकी आत्मा, तो या तो शैतान उसको अपनी मर्जी से किसी योनि में डाल देगा, या उससे पूछेंगे भाई तूने मेरी बहुत साधना की है, खुश हो तो उससे किसी योनि में जाना है, वो कहेगा भाई मैं 10,000 साल के लिए पिशाच बनना है। कहाँ बनना है, कैसा बनना है, रक्त पिशाच, भू पिशाच, जल पिशाच, तो उसको बनाया जाएगा। कुछ बेसिकली क्या होते हैं, जैसे पिशाच योग आता है उसमें किसी की मृत्यु हो गई जल के अंदर, तो जल पिशाच बन जाएगा। कई बार इत्तेफाक से भी ऐसा हो जाता है। पर जिस तरीके से आपने बोला कि वेताल वगैरह है, तो तांत्रिक जो शक्तियां हैं वो अलग अलग रूप में की जाती है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, तो तंत्र और मंत्र में क्या अंतर है? मंत्र ध्वनि है, ध्वनि से वाइब्रेशन पैदा करना, तंत्र है ऊर्जाओं को वातावरण में से यहाँ लेना। एग्जाम्पल, अच्छा। एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सात्विक मंत्र है, इसमें हम ध्वनि पैदा करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लगातार जाप करते हैं, वाइब्रेशन हमें सपोर्ट करती है। और महादेव का ही दूसरा मंत्र है ओम श्री महाकालाय नमः, ये सराउंडिंग एनर्जी खींचेगा। ध्यान सुनिए, ओम नमः शिवाय, आवाज यहाँ आ रही है, ओम श्री महाकालाय नमः, आवाज घूम रही है। इसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी गेन,
वातावरण में जो एनर्जीज घूम रही हैं उसमें पॉजिटिव को लेके हमारे कार्य को सिद्ध करना, इसे कहते हैं तंत्र। लोग समझते हैं मांस काट लिया, शराब चढ़ा दी, बलि दे दी, ये सब तंत्र नहीं है। बेसिकली इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। मंत्रों में ही जो शक्ति है जो तंत्र के कार्य कर सके, इसके विधान का फर्क है। जैसे आप मान लीजिए हम महादेव को यज्ञ करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? हवन सामग्री, हथौड़ा। बट महादेव के तांत्रिक यज्ञ करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? काली सरसों, पीली सरसों, साबुत नमक, मिर्चें, लाल मिर्चें, सरसों का तेल। बेसिकली फर्क सिर्फ इतना है, और कुछ नहीं है। तंत्र भी तामसिक होता है और एक सात्विक तरीके का बोला जाता है। तो तामसिक और सात्विक कैसे और क्या क्या प्रयोग होते हैं तामसिक और सात्विक? देखिए मैं तामसिक नहीं करता हूँ। अच्छा। तामसिक होता है बलि दे दी आपने किसी की, मींस कोई आदमी बीमार है, लोगों से ग्रसित है, उसमें आप मुर्गे की सिर की हड्डी काटते हैं, जिंदा मुर्गे काटना पड़ता है, उसके सिर की हड्डी की पहले चोंच निकालते हैं, हड्डी अलग करते हैं, उसकी हड्डी के साथ चोंच से एक यंत्र लिखते हैं उसके खून से। अच्छा। उस यंत्र की 108 आहुति दी जाती है उसको रोग मुक्त करने के लिए। ये तो हो गया तामसिक। लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि अपनी खुशी के लिए किसी की बलि दूँ। मैं मांस नहीं खाता, मैं मच्छी नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, मैं बिल्कुल सात्विक रहता हूँ, ना ही मुझे पसंद है। अब जो यहाँ पे सात्विक प्रयोग है, सात्विक प्रयोग हम क्या करेंगे, जहाँ पे 108 आहुति देनी है वहाँ पे 1.25 लाख आहुति दे देंगे। अच्छा। ऊर्जा उतनी ही बनेगी, वो 108 में, वो 1.25 लाख में, 1.25 लाख में ज़्यादा पसंद है। मंत्र वही रहेगा, यंत्र वही बनेगा, लेकिन उसके बनेंगे भोजपत्र के ऊपर, लाल चंदन से काम उतना ही करेगा। बट क्या है, लोग जल्दबाजी में पैसा बचाने चक्कर में, मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कोई मृत्यु संकट है, अब आया किसी के पास कि भाई गुरु जी इसमें मृत्यु संकट है, मृत्यु से बचाना पड़ेगा, ला भाई 5 लाख रुपए दे। दे दिया आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पैसे उसने दे दिए, उसने इस काम में कितने खर्च किए? 10,000 रुपये। एक आदमी बुलाया, यंत्र बनवाए, कर दिया। बट यहाँ पे एक दिन में 1.25 लाख जाप होने हैं, मतलब 10 ब्राह्मण बैठने हैं, वो 1.5 लाख रुपये लेंगे कम से कम। यज्ञ होगा, पैसे लगेंगे, आहुति होंगे, तर्पण होगा, मार्जन होगा, विनियोग होगा, प्रसाद बढ़ेगा, मंदिर में सामान जाए, लाखों रुपये उसमें खर्च होंगे। अगर इंस्टेंट करना है तो वैसे कम भी लगते हैं, वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं। आदमी स्वास्थ्य से पहले तांत्रिक विभाग का रिजल्ट तो एक ही आ रहा है, उसका फ्यूचर कितना खराब हो सकता है ये आदमी नहीं समझता। आपने उसका गर्दन काट दिया, बाकी शरीर को आपने क्या किया? आपने नाले फेंक दिया। अब किसी इंसान की, जानवर की मृत्यु आप कर रहे हैं, उसके शरीर को आप वेस्ट कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, आगे देना पड़ेगा आपको आगे। इसलिए सात्विक तंत्र का उपयोग कीजिए, दिक्कत कभी नहीं आएगी जी। तो आपने जब सीखा था उसमें, जैसे आपने बोला वो लोग मदिरा, मांस, मच्छी सभी खाते थे, तो जो आपके जो गुरु थे उनके आश्रम में क्या तांत्रिक जो प्रक्रिया होती थी वो तामसिक और सात्विक दोनों तरीके की होती थी? उनके यहाँ सिर्फ तामसिक ही होता था। अच्छा। उनके यहाँ सात्विक नहीं होता था, उसके लिए मैंने कहीं और सीखा, उन्हीं की परमिशन लेके। क्योंकि मुझे शुरुआत से, क्योंकि हरिद्वार के बेसिकली हम लोग हैं, तो हमें ना ये सब मांस खून वगैरह पसंद नहीं आया। ट्राई किया था मैंने, मैं नहीं कहूँगा मैंने नहीं किया, सब मैंने भी किया है, बट थोड़ा सा मन हट गया इन लोगों से। इतनी पूजा पाठ मैं करता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे साथ में भी भगवान का नाम सवार दिन लेता हूँ, हेलो नहीं बोलता, जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, तो मुझे नहीं मन करता है सब चीज़ों का। तो सीखा है सारा, बट पसंद यही है। क्षमा कीजिए, आपको बता नहीं सकता। तो कौन से भगवान की आप पूजा करते हैं वैसे? दरअसल हमें बताने की परमिशन नहीं है। अच्छा। तो आपने जो सब सिद्ध किया हुआ है तांत्रिक विद्या, फिर आपने मंत्र सिद्ध किए हैं? बेसिकली मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, कुछ नहीं। अच्छा। विधान तो सीखने पड़ते हैं। अच्छा, विधान सीखने जी। तो आपने कामाख्या के बारे में बोला था, कामाख्या देवी के बारे में बहुत अलग अलग बातें कही जाती है वहाँ। जैसे एक तो सभी जानते हैं प्रसाद में कपड़ा दिया जाता है, बोलते हैं कि वस्त्र, कि जो वस्त्र माँ के मासिक धर्म के बीच में जी। ये मान्यता है। तो बोलते हैं कि कामाख्या का किया वो जो तंत्र है, कामाख्या मंदिर में जो साधक बैठ के तंत्र करते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है जी। इसका क्या कारण है? और दूसरा, आप कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में किस रूप में कैसे पूजते हैं, कैसा देखते हैं, समझते हैं? आप कोई बुद्ध टेम्पल गए हैं? आप यहाँ बैठ के ओम का जाप करते हैं और वहाँ बैठ के ओम का जाप करते हैं, आपको आराम किससे मिलता जाता, कितनी जल्दी? 100 टाइम्स। एग्जैक्टली क्या है, कामाख्या देवी भी ऐसी हैं, वो तंत्र की देवी हैं, जो मतलब महागौरी का कटा था शरीर, उसमें जो योनि वाला हिस्सा था वो वहाँ गिरा था,
सबसे शक्तिशाली स्त्री का जो शरीर का अंग होता है वही होता है। अब जब वहाँ वो हिस्सा गिरा तो वहाँ पे तंत्र हुआ। ठीक, अब मैं यहाँ बैठ के मंत्र पढ़ूंगा, ये सब एरिया दूषित है, ठीक है, लेकिन वो एरिया दूषित नहीं है, तो वहाँ इसका इफेक्ट कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन वहाँ के करने वाले को भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी जाके बैठे मंत्र पढ़ना शुरू करे सिद्धि मिल जाए, ना, असंभव। ज्ञान आपको हो वहाँ पे कौन सा मंत्र पढ़ना है, वहाँ पे बैठ के आप कोई दुरात्मा शोषण कर रहे हैं आपको दिक्कत आएगी, आप गलत कर पढ़ रहे हैं आपको दिक्कत आएगी, आप गलत मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। तंत्र वहाँ हर प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे मेन बात क्या होती है कि जो कामाख्या देवी है ना, ये उग्र देवी है। ठीक, एक साल के 11 महीने शांत रहती है, फिर एक माह जो उनकी नदी लाल हो जाती है उस समय उग्र रहती है। अच्छा। और उससे सबका हिसाब करती है। आप ऐसा नहीं है वहां जाकर दर्शन करके आ गए और मंत्र पढ़ के आ गए, आपको हिसाब नहीं देना, हिसाब देना पड़ेगा आपको। अच्छे हैं तो अच्छा हिसाब, बुरे हैं तो बुरा हिसाब। अच्छा। आप वहां जाकर मान करके देखिए, जिस समय मेला लगेगा कामाख्या का, आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा बैठे बैठे। यह है कामाख्या देवी। कुछ लोग बोलते हैं कि कामाख्या देवी के मंदिर एक पुराने कोई इनके एक्सपीरियंस था, मैंने कुछ ऑनलाइन पढ़ा था, उनका खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर किया हुआ एक्सपीरियंस के। मेरे साथ दो लोग और जाते थे, दो परिवार थे, हम लोग सेम गाड़ी में जाते थे, हर साल वो कामाख्या देवी जाते थे, लेकिन वो कामाख्या देवी के दरवाजे के बाहर पहुंचते मंदिर में कभी प्रवेश नहीं कर पाए उनके साथ आने वाले। हर साल जैसे वो जाते हैं वो अंदर जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन वो जब जब जाते हैं उनके साथ वो हर साल कोशिश करते हैं लेकिन कभी मंदिर ही नहीं जा पाए। इसका क्या कारण हो सकता है? विश्वास। कुछ लोग जाते हैं टेस्ट करने के लिए। अच्छा। इस तरह के साथ ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे दिल्ली में भी है, कुछ शिष्य मेरे भी है। अभी शायद लास्ट वीक की बात है, मनीष ये बंदा है बता रहा था मुझे कि मैं गया और गेट पे जाके वापस आ गया। कई बार अभी गया था, पिछले हफ्ते गया था, माँ कामाख्या बोला और वापस आ गया, अंदर नहीं गया। वो टेस्ट करना चाहते हैं भगवान को, तो भगवान तो एंट्री नहीं देंगे उन्हें, मैं भी नहीं दूंगा एंट्री। अच्छा। सीधी सी बात, अगर मुझे पता आप मुझे टेस्ट करने यहाँ पे आ रहे हैं मैं आपको बाहर से भगा दूंगा, क्यों नहीं दूंगा अंदर। अच्छा। वो तो माँ है, इतनी शक्तिशाली है, बस विश्वास कीजिए सब कुछ मिलता है। विश्वास की वजह से, विश्वास, सिर्फ विश्वास। तो जब हम भूत तेल के फिर साधना या उसकी बात करते हैं, तो एक और मैंने सुना है कर्ण पिशाचिनी या कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपके उसको सिद्ध करने के बाद वो आपके कान में के पास बैठती हैं और वो कान में रह के वो बताती हैं जो किसी को नहीं पता, सामने वाले का भूत भविष्य क्या होगा वो चीजें बताती हैं, या क्या हो सकता है, क्या छोड़ के आया है ये भी बता देती हैं। बेसिकली कर्ण पिशाचिनी क्या है, एक शक्ति है, वो कान के पास नहीं बैठती, वो आपके साथ खड़ी रहती है। बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर कि इंसान देख ले शायद पागल ही है उसके पीछे। बड़ी भविष्य नहीं बताती, ये बताती है वर्तमान और पास्ट, भविष्य नहीं जानती। किंतु उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर आप उनको सिद्ध करते हैं तो आपको किसी भी स्त्री से संबंध नहीं रख सकते आप। अगर आपने संबंध रखा किसी स्त्री से, उस स्त्री को खत्म कर देंगे, या फिर आपको इनको आपका यौन सुख चाहिए और बहुत जबरदस्त चाहिए, जो कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता, इसलिए इसका साधक बहुत जल्दी मर जाता है, उसको खत्म कर देती है। तो जैसे कर्ण पिशाचिनी ऐसी ही कुछ और शक्तियां भी होती हैं। कर्ण मातंगी कीजिए, कान में बैठ के बोलेंगी, कान में बैठ कर बोलेंगी, इतनी सी होती है बस, कान में बैठ के वो सब बताएंगी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जैक्ट। मातंगी तो देवी है, मातंगी देवी का ही रूप है ये कर्ण मातंगी। आपको पता है नेचर होते हैं कि सेक्रेटरी जैसे, ऑफिस बॉय, ऑफिस गर्ल, रिसेप्शनिस्ट, ये वैसी है। इनको अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो निश्चित रूप में आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। इनकी साधना कैसे की जाती है? इनकी साधना देखिए, बेसिकली जो की जाती है इनकी साधना, सावन में हम खास तौर पर कर सकते हैं। इनकी साधना में कुछ खास नहीं, पाल की गोटी का ली जाती है, गोली पाली की, और एक होता है इसमें श्रीयंत्र होता है, एक होता है इसमें पुखराज, तीनों एक साथ रखा जाता है। इनको एक कर्ण मातंगी मंत्र है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा लंबा मंत्र है, इसका पूरा विनियोग, न्यास, तर्पण, मार्जन, कवच पाठ, तब इस मंत्र के 1,25,000 जाप किए जाते हैं 7 दिन के अंदर। अच्छा। आप स्वयं करें, ब्राह्मण बुला के करें। इसका दशांश हवन होगा कनेर के फूल के साथ। अच्छा। उस हवन की जितनी भभूति संभाल कर रखते हैं अपने पास,
उसके बाद उस भभूति तिलक आप लगाते हैं, उस गुटी का मुंह में रखते हैं, बुखराजा पहनते हैं, श्री यंत्र को स्थापित करते हैं, अपने ऑफिस यहाँ बैठते हैं। जो व्यक्ति आने वाला होगा बता देंगे आपको, ये आने वाला है, इस गाड़ी से आ रहा है, ये कपड़े पहन के आ रहा है, ये करके आ रहा है। ये होती है कर्ण मातंगी, बहुत लोगों ने सिद्ध कर रखी है। इसमें आपको कोई खतरा नहीं है, इनका भोग सिर्फ हलवा है देसी घी का। अच्छा। गाजर देसी घी या सूजी का हलवा देसी घी के साथ इनको भोग में दिया जाता है रोज शाम को एक पत्ते में। अच्छा। सिद्ध है आपके पास, छत पे रखिए, सुबह हलवा आपको खाली मिलेगा और कोई पक्षी नहीं खा सकता। देखिए ये सात्विक साधना है, ये अटैक नहीं करती। अच्छा। आप क्षमा मांगिए, माँ है क्षमा कर देंगी, माँ तो बच्चों को माफ कर ही देती है, दोबारा कर दीजिए। आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि कितना आसान होगा माता को बिल्कुल कि पूजा पाठ कर ली और वो हो जाएगा। जी जी जी, इतना आसान है। दरअसल क्या ना, आप लोग इसको साधना मान के करते हैं। अच्छा। डर लगता है। अब मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, माँ मुझे चाय बना दो, तो हाथ जोड़ गाने गाऊंगा बैठ के, चाय बनाओ चाय बनाओ। नहीं ना, बना दी चाय, उनका मूड नहीं होगा भाई, बाद में पी लियो, अपने आप बना ले। तो ये तो मेरी माँ ही है, मैं इनसे मतलब क्यों मिन्नतें करूंगा। माँ मुझे चाहिए तो दो मुझे, क्यों नहीं दोगी आप बताओ मुझे, क्या गलती है मेरी। मुझे करोड़पति बनना है तो आप बनाओगी मुझे, बच्चा हूं मैं आपका, मांग के देखो आप देंगी, क्या बात कर रही हैं आप। ऐसी और भी हैं तंत्र की जो देवियां हैं, 10 देवियां हैं जो तंत्र की देवी के रूप में पूजी जाती है, अलग अलग देवी की अलग अलग आराधना होती होगी। तो उसी तरीके से धूमावती जी, माता धूमावती है, इनका तो सुहागनों को निषेध, इनकी पूजा बोली जाती है। इसका कारण पता है आपको? हाँ, कारण तो मालूम था कि किस तरीके से माता को भूख लगी थी, और उन्होंने अलग दो कहानियां मैंने जो पढ़ी, एक तो यही पढ़ी कि जो प्रजापति दक्ष हैं, जब उन्होंने यज्ञ में जब माता सती ने आहुति दी जी, तो उस समय जो धुआं उठा उससे माता धूमावती का जन्म हुआ या फिर प्रकटन हुआ। और एक कहा जाता है कि जब माता पार्वती को बहुत भूख लगी, शिव जी तपस्या में लीन थे और खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्रोध में शिव जी को ही खा लिया। तो एक ये दो कहानियां जो है जो हमें पता है, इसके अलावा अगर कुछ है तो आप बताइए। दोनों ही गलत है। बेसिकली हुआ क्या था कि जिस समय गणेश जी का वध हुआ था, शिव जी महादेव वध कर दिया था, तो माँ पार्वती बड़े क्रोध में आ चुकी थी। एक क्रोध में उनके शरीर से 10 रूप निकले। अब शिव जी ने क्या किया, वो शिव जी पर अटैक करना उन्होंने, क्योंकि तो ध्यान नहीं था मेरे पति हैं। शिव जी 10 दिशाओं भागे, उनके पीछे उनका एक एक रूप भागा, काली छिन्मस्ता बगलामुखी श्री विद्या शोरछी सब भागी। जो धूमावती थी ये धुएं से चलती थी, इनकी स्पीड तेज थी, उन्होंने शिव जी को वहां खा लिया। खाते ही ये कांपने लगी, मैंने क्या कर दिया, अपने सुहाग को खा लिया। तो ये विधवा का रूप इन्होंने हाथ के हाथ ले लिया। ठीक, इन्होंने जैसे विधवा का रूप लिया तो बाकी जितनी देवियां थी महाविद्याएं थी वो सब शांत हो गई। हमने क्या कर दिया, ये महादेव के पीछे भागे, महादेव ये तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें क्षण में नष्ट कर सकते हैं, महानता है इनकी। तो माँ धूमावती ने स्वयं को श्राप दिया कि मैं कभी सुहागन नहीं बनूंगी। जब मैं शिव जी के प्रतिरूप को खाया था, शिव जी को नहीं खाया था, शिव जी को कौन खा सकता है, उन्होंने खुद को श्राप दे दिया। तब से तांत्रिक देवी बन गई। अच्छा। हर धुएं में इनका वास होता है। अच्छा। धुआं बनता ही धूमावती। तो इनका एक मंत्र आपको बताऊंगा, ओम धूम धूमावती नमो ठा ठा प्रेत निवारणा नमः। आप सिंपल धूप जलाइए अपने घर में, इस मंत्र को पढ़िए, भूत प्रेत आसपास भी नहीं आएगा। अच्छा। आसपास परेशान करना छोड़ दीजिए जी। अच्छा। तो माता के स्वरूप को लेकिन सुहागन औरतों के लिए निषेध माना जाता है कि नहीं पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सही माना जाता है। तो कुमारी कन्याओं के लिए बोलते बहुत शुभ होती है। बिल्कुल होती है, उनका पति खाए, खाएंगे किसको। आप समझिए, मान लीजिए मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, मेरे शिव जी का अंश आ रहा है, आ रहा है ना, आप धूमावती की साधना कर रहे हैं, आपके अंदर धूमावती का अंश आ रहा है, और धूमावती अपने आप को गिल्टी लिए बैठी कि मैंने महादेव को खाया था, तो सुहागनों का आशीर्वाद कहाँ से देंगी। उनके वही भाव तो बन पाएगा, गिल्ट में आ जाएंगे सुहागने कि अपने पति के साथ में गलत करने ना करते हुए भी, इसलिए उनको निषेध माना गया है। अगली बात कुमारी कन्याओं की, कुमारी कन्याओं का वो तो बिकता है जो शिव जी के पीछे भाग रही थी, किस रूप में भाग रही कोई नहीं जानता, उनकी मंशा क्या थी, लेकिन भाग रही थी, जो कुमारी कन्याएं भाग रही अपने वर को लेके, इसलिए शुभ माना जाता है। अच्छा। जानता कोई नहीं, बस बातें बनाते रहते हैं। तो अभी हमने इन सबके बारे में बात की, तो एक चीज है अभी जो मैं पूछना चाहूंगी कि अब
आज के परिवेश में अगर देखूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो की जाती है, दिखाई देती है। जी जी। तो दीपावली पे अक्सर मैं भी जब छोटी थी तो बचपन में मैं ऐसे मटके जैसे कुछ उड़ता हुआ देखती थी जी। अब फिर बाद में जब देखा पता कि आप शुरू शुरू में तो मम्मी से मम्मी को बताओ तो मम्मी को होता है कि हमें तो दिखाई नहीं देता, तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा है ये सब चीज है, तब ऐसा लगता था मुझे ही दिखाई दे रहा है, पर दिख रहा है क्या। तो तब जब हम गूगल का टाइम आ गया था बाद में तो गूगल करके देखा तो तब पता चला कि यार वो तंत्र मंत्र करके लोग मटका बना के रखते हैं और वो मटका जाता है उसी के घर के बाहर, जिसको उसे मारना होता है उसके घर जाके फूट जाता है, और वो नहीं फूटा तो वापस वहीं जाता है जिसने किया था और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये किस तरीके का तंत्र है भी या नहीं है, तो ये जानना चाहती हूँ। बेसिकली से कहते हैं घट मारण प्रयोग। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति रात में मारा गया उसकी चिता जली, उसके अस्थि अगले दिन चुनते हैं गंगा जी में डालते हैं, लेकिन आपने नाइट में उसकी अस्थियाँ ले लेनी है थोड़ी सी, कुछ अस्थियाँ उस मटके में डाल दीजिए, कुछ अस्थियाँ उसके कहाँ पे जिस घर में आपको करवाना है काम वहाँ डाल दीजिए, डालने के बाद आत्मा आवाहन मंत्र पढ़ दीजिए। अब आत्मा मुक्ति चाहिए ना, वो अपनी अस्थियाँ लेने जाएगी 100% जाएगी, अस्थियां मटके में पैक है तो मटका उड़ के जाएगा 100% जाएगा और वहां जाएगा उस जगह पे। जब वो मटका अस्थियों पास पहुंचे आप मंत्र पढ़ना छोड़ दो, तंजा भंग हुई, मटका फूट गया, आत्मा वही निवास करेगी जहाँ पे फूटिया है, फूटा की अस्थियां वहीं पे रह चुकी हैं। अच्छा। कोई मुक्त करने वाला है नहीं तो वहां पे खत्म करेगी। अच्छा, अस्थियां हमने वहां से उठा ली, उठाए वह उससे पूछेंगे भाई तूने ये काम क्यों किया मेरे साथ, अटैक उस पर करेंगी। अच्छा। लेकिन ये आपको रियलिटी बताता हूँ, ये आज के युग में होता नहीं है। अच्छा। बहुत ही कम लोग घट मारण को जानते हैं, इसका विधान बहुत बड़ा है। काल विकाल बाण प्रयोग को करने के बाद इसे किया जा सकता है, या फिर गाव ये नहीं करने के बाद इसे कर सकते हैं, असंभव है, मैं इसको संभव नहीं मानता। कम से कम हमें 11 तो तांत्रिक चाहिए इसे करने के लिए, और कम से कम मैं समझता हूँ इसे करने के लिए 108 ब्राह्मण तो चाहिए लगातार मंत्र का जाप करें आपके सुरक्षा मंत्र के द्वारा। मतलब मैं नहीं मानूंगा कोई कर सकता है आज के टाइम पे, जो आप देखते हैं वो हमें उड़ते हैं। एक्चुअली मैंने कई बार देखा था, पता क्या रियलिटी कुछ और ही निकली। मटके बांधे मछली के कांटे वाले तार, 20 मिनटों पर गुब्बारे बांधे काले रंग के, अंधेरे गुब्बारे कहाँ दिख रहे हैं, ना तार दिख रहा है, छोड़ दिया उड़ते हैं। लोग डर रहे ये क्या हो गया, भूत आ गया, आत्मा आ गई, गुरु जी आत्मा उड़ा दी। कुछ नहीं है ऐसा, नौटंकी। दीपावली पर अमावस्या की रात में बोलते हैं कि बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जाते हैं, तो अमावस्या के दिन क्यों, अमावस्या ही क्यों, और क्यों उसी दिन अलग अलग तरीके किस किस तरीके के तंत्र हैं वो किए जा सकते हैं। देखिए अमावस्या क्या है, ये लक्ष्मी जी की रात है। बेसिकली लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत की रात है, लेकिन मेन काम अमावस्या लक्ष्मी जी का है। जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे दीपावली की रात को, तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि आपके लोग भगवान श्री राम आए हैं इतने टाइम के बाद अयोध्या, उनका रूप देखने जाना है। बोले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम जाओगे वेस्ट तो होगा ना तुम्हारा आना जाना, भगवान हो तुम क्या करोगे वहां जाके ये तो बताओ। बोले जो मेरी पूजा कर रहा होगा, जो खुश होगा, जो हंस रहा होगा, प्यार कर रहा होगा, उस घर में वास करूंगी, जो गाली बक रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, मांस खा रहा होगा, शराब पी रहा होगा, उसके घर से आ जाऊंगी। दिवाली की रात को हुआ, भगवान विष्णु का जाओ हर साल जाना, माने का ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए दिवाली रात को माँ लक्ष्मी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने का औचित्य क्या बताइए। दिवाली पे श्री राम आए थे, हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं बताइए, राइट। कुछ लोग कहते हैं समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन कभी भी दीपावली की रात को नहीं हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं उस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, मंथन तो एक ही दिन चला था, लक्ष्मी के प्रकट हो गई उस टाइम पे, लाखों साल तो चला नहीं था। और कभी भी मंथन रात में नहीं होता, दिन में होता था, ध्यान दीजिएगा। तो रात में लक्ष्मी कैसे प्रकट हो गई, तो सारी कहानी ये है, लक्ष्मी जी आके देखा कि वाकई लोगों को उनकी आवश्यकता है, तो माँ ने कहा तो मैं हर अमावस पे आऊंगी, तो लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। आप क्या हो जाए लक्ष्मी जी आने लगी तो काली माँ बोली मैं भी चलूंगी भाई, मैं बोल रही हूँ आप बगला मुखी बोली मैं भी चलूंगी। अब आप समझिए कि जहां मैं बैठा हूँ वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे शक्तियां मौजूद हैं, मुझे मंत्र पढ़ने पड़े 1 करोड़ मंत्र उन तक पहुंचाने के लिए अपनी बात, जब वो दूर बैठी हैं। अब वो यहां बैठी हैं, 100 मंत्र उन तक अपनी बात पहुंचा दूंगा। हे माँ काली, हे माँ काली, सुन रही ना मेरी बात यहां से बैठी हुई, तो मैं ऐसे क्यों नहीं करूंगा साधना, ऐसे रात फेमस है। तो
तो सबने बोला सारी देवियां और भी देवियां करती हैं, तो ऐसे ही बगलामुख की माता की भी लोग पाक सिद्धि के लिए इनकी पूजन करते हैं जी। उनका प्रयोग उसी औचित्य से किया जाता है, उनके तंत्र का जो प्रयोग है उसी तरीके से किया जाता है। लेकिन बगलामुखी को दो रूपों में पूजा जाता है, एक तो भयावर रूप में पूजा जाता है और एक वो पीताम्बरा माता के रूप में जहाँ वो पीले वस्त्र एक सात्विक तरीके से जी। तो दोनों तरीकों में क्या अंतर है और क्यों इस तरीके से कि एक ही देवी को दो रूपों में पूजा जा रहा है, एक को पीले वस्त्र और सात्विक ढंग से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए और एक को तांत्रिक रूप से, तो इसमें क्या अंतर है? बेसिकली बगलामुखी कभी वाक सिद्धि नहीं देती। अच्छा। ये लोगों की धारणा है। आप बगलामुखी को देखिए, उनके हाथ में चाकू होगा, एक कटार के उसमें राक्षस की जीभ पकड़ रखी है, तो वाक सिद्धि कहाँ से आई? वाक कीलन, जिह्वा कीलन की देवी है बगलामुखी। अच्छा। होता क्या था, जब देवता और राक्षस युद्ध होता था, देवता शस्त्र से लड़ते थे, जो राक्षस थे शस्त्र के साथ साथ मंत्रों का उपयोग करते थे देवताओं को कोई शक्ति कमजोर करने के लिए, तब पार्वती माता ने और महादेव ने माँ बगलामुखी निर्माण किया। माँ ने असुरों की जीभ कील दी, जीभ को कील दिया कि मंत्र ना पढ़ पाए। जब जीभ कीली तो उनकी शक्ति भी खोती गई, वो हारते चले गए, राक्षस को देवता जीतते चले गए। तब से माँ बगलामुखी की वाक सिद्धि नहीं, वाक कीलन की देवी माना जाता है। कोई शत्रु आपके खिलाफ बकवास कर रहा है, गलत बोल रहा है, आप बगलामुखी साथ न कीजिए, नहीं बोल सकता। रही बात तांत्रिक रूप की, सात्विक रूप की, देखिए जो बगलामुखी तांत्रिक साधना है वो किसी भी इंसान को करने की आज्ञा नहीं है। अच्छा। तांत्रिक साधना में जो मध्य मास वगैरह होता है वो हम नहीं चला सकते। अच्छा। वो आगे देवताओं को है, विधान क्या मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा किसी शास्त्र में, किसी कवच में, किसी यंत्र में, किसी पुस्तक में, अपने आचार्यों से, गुरु से। तांत्रिक विधान मैं नहीं जानता। अच्छा। उनका जो मंत्र है वो अपने आप में ही तांत्रिक है। आप शायद मंत्र उनका जानते होंगे, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा तांत्रिक है। वाचम मुखम पदम स्तंभाय जिह्वाय कीले कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। वाचम मुखम पदम, वाचा बोलना, मुख और पैर तीनों के लिए उन्होंने, स्तंभाय जिह्वाय कीले कीले जीभ कील दी, बुद्धि स्तंभित कर दी, आप समझिए जी। वो किसी भी इंसान को आपकी तरफ आने से रोक सकती हैं, आपके ऊपर पहले आ रही हो वो आपको रोक देंगी। जैसे अभी मैं बात करूँ कि मूवीज में हमने कई बार देखा है कि एक गुड़िया बना ली, गुड़िया को कीली घुसा रहे हैं, चाकू से मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, तो ये चीजें क्या है? इसे कहते हैं पुत्र प्रयोग। अच्छा। ये बेसिकली बंगाल का है। सामने वाला डीएनए आपको लेना है, नाखून बाल नहीं मिलता कोई बात नहीं, उसकी फोटो से हम क्या करते हैं, सामने वाले पुतले को अभिमंत्रित करते हैं। अब जैसे कहीं चाकू मारते हैं, चाकू लग जाता है, ऐसा नहीं होता, बेसिकली वो नहीं होगा। होगा ये कि उसके घुटने आपने चाकू चुभाया, उसको हल्का हल्का चुभन होगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, शरीर वीक पड़ता जाएगा। बट एक्चुअली इसका विधान यहाँ तो शायद नहीं जानता कोई भी, बंगाल में ही है जो लोग करते होंगे। काला जादू है बेसिकली, आत्मा जाती है वहाँ भी। अच्छा। आत्मा प्रवेश करती है सामने वाले शरीर में, वो चुभन देती है। मैंने यहाँ से कोई चलो पैसे तो है नहीं कि गुस्सा है और हो गया, लेकिन ये मतलब गलत मानूंगा मैं इसे। अच्छा। मतलब मैं किसी को राय नहीं देता आप ऐसा काम करें। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस बेसिकली आत्माओं का ही प्रतिरूप है। मतलब लोग कई लोग जोड़ते हैं इसको, मतलब ये मानते हैं ब्रह्मा जी का कोई रूप है, ब्रह्म राक्षस बेसिकली वो नहीं है। कुछ आत्माएं कहीं कैद हो गई, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया गड्ढा करके उसने तुलसा जी के पेड़ लगा दिया, वो बढ़ता चला गया। अच्छा। जब बढ़ता चला गया तो आत्मा अंदर कैद रही, जब कैद रहेगी तो अंदर रहकर शक्तियां बढ़ती जाएंगी, शक्ति असीमित होती जाएंगी, वो इतनी शरीर हो लेती हैं कि उसका शरीर बन जाएगा, लंबी हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अब जो शक्तियां बढ़ चुकी हैं, अब कभी वो पेड़ काटा गया, वो वहां से मुक्त हो गई। मुक्त होते ही वो ब्रह्मा राक्षस कहला के आपके ऊपर अटैक कर देती है, खून भी पीती हैं। कुछ ब्रह्मा राक्षस मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही बनते हैं, कुछ ऐसे बनते हैं कि मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, ब्रह्म योग में मर्डर हुआ। अच्छा। ब्रह्म योग, ब्रह्म योग बनता है, योग बनते हैं ऐसे, पुष्य योग, विपुष्य योग, गंड मूल योग, ऐसे ही ब्रह्म योग भी बनता है। उस योग में उसका मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद उस पर कोई सात्विक जल गिर गया, पूजा का जल, उसकी शक्ति असीमित हो जाएंगी, उसे दो ऑप्शन, या तो मुक्त हो जाए
या फिर अपना बदला ले, रिवेंज ले, मोस्टली रिवेंज लेना चाहते हैं आज के टाइम पे, वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर रिवेंज के बाद रुकता नहीं है, वो उन लोगों को ढूंढता है जिस जो लोग ऐसे हैं, मतलब किसी ने कार वाले ने उसको मार दिया तो कार वालों को चुन चुन के मारेगा फिर वो। अच्छा। ये पूरे एरिया को ब्लॉक कर देते हैं और इनका पर्टिकुलर टाइम है कि रात को मारना है 7 से 9, तो 7 से 9 ही मारेंगे, टाइम फिट है बिल्कुल। अच्छा। अलार्म लगा के आते हैं इस टाइम आना, इस टाइम ही जाना है जी। तो जिस तरह के ब्रह्म राक्षस आता है उसी तरीके से आपने एक और चीज का जिक्र किया था, जैसे हमने मैंने बोला था आपने माता पिता के लिए आते हैं, जैसे मुंजिया मूवी में मुंजिया। हाँ, तो उसी तरीके से कुछ लोग अगर किसी की पत्नी या इस तरह के कोई बड़ा व्यक्ति है जो घर में है उसकी मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु इस तरीके से बोल सकते हैं कि अकाल वो हमें ही लगे, अकाल उनके लिए क्या पता वो पूरी हो जाए। तो ऐसे लोगों को बहुत से लोग जीवित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे दिखाया जाता है कि अपने पति पत्नी को साथी को जिस तरीके है उनको जीवित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग इसलिए भी चाहते हैं, तो क्या ऐसा होता है या फिर ऐसा किया जा सकता है? आज तो संभव नहीं है। देखिए, अगर इतनी शक्ति होती, एक बार बड़ी लॉजिकल बात बताऊंगा, जान समझिएगा, हम लोग तो आम आदमी हैं, हम पे पैसे भी लिमिटेड हैं, शक्तियाँ लिमिटेड हैं। ये सिर्फ मैं बताऊँ TRP बटोरने तरीके, मैंने इसको जीवित कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, एक लॉजिकल सी बात आप समझिए। मैं गांव में जाता हूँ, एक बहुत गरीब से गांव में, मैं 10 लोगों को उठाता हूँ, तो मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम सबको 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँ तुम्हें बोलना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गली में घूमना शुरू कर दिया, गुरु दाक्षा जी वैसा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, कोई यही बोल देगा मैं तो मर गया जिंदा कर दिया, कोई प्रूफ है? ओनली मार्केटिंग और कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी संभव नहीं है। अस्थियां होती हैं जिनको कई कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की अस्थियों को विसर्जन नहीं किया जाता जी, या नहीं किया बल्कि लावारिस हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसे हैं जिनके परिवार वालों को अस्थियां नहीं मिल पाती, शरीर ही नहीं मिल पाता जी। तो ऐसी अस्थियों से खाना जादू होता है? बिल्कुल होता है। किस तरीके का, कैसे हो सकता है? बेसिकली अस्थियां क्या है, जब तक उनको आपने गंगा जी में नहीं डाला वो रहेंगी प्रेत योनि में। गंगा जी में डालने के 1 वर्ष के बाद वो आती है पितृ योनि में। अच्छा। और प्रेतों को वश में करना कौन सी बड़ी चीज है, इच्छा पूरी करो। तो जैसे आपने भूत प्रेत ये है कि ग्रहण करती है, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ये भी शमशान से चीजें उठाते हैं, इनपे तंत्र का प्रयोग करते हैं, ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे जब ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो इसमें तकलीफ नहीं होती किसी को? क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती। उस प्रेत को तकलीफ होगी, उसकी चीजें उठा रखी है, बिल्कुल होंगी, उसकी हड्डी उठा ली, मुख कैसे होगा उसको, तंत्र होगा उसको, बार बार जाना पड़ेगा। आप शमशान गए, आपकी चप्पल वहां छूट गई, उठा ली तांत्रिक ने, परेशानी तो आपको होगी 100% होगी। अच्छा। एक्चुअली बेसिकली है क्या कि काला जादू को लोगों ने ना बड़ा अजीब सा हवा सा बना दिया है। काला जादू करने वाले लोग है ही कितने हैं, बहुत लिमिटेड, ना वो मीडिया के सामने आते हैं, ना पब्लिक के लिए किसी मिलते हैं, ना वो किसी को बताएंगे काला जादू करता हूँ। ठीक है ना, जो मैं काला जादू करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अरे भाई तो इतना कुछ करता था, नाच क्यों लाया भाई, जाके करना लोगों पे। कल्याण माली वश में ले ले 200 करोड़ रुपए उससे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने कहा था वशीकरण की एक सीमा होती है। अगर आप मुझसे वो माली वशीकरण कर दो, मैं कैसे कर दूंगा भाई, लेवल तो होना चाहिए ना आपका। आप कहें मेरे पति पे कर दो, मैं कर दूंगा, मेरी सास पे कर दो, मैं कर दूंगा, मेरे बॉस पे कर दो, मेरी बात सुने, मैं वो भी कर दूंगा, मेरे पड़ोसी पे कर दो, कर दूंगा। आप तुमको ये मोदी वशीकरण कर दो, मुझे आपके मंत्री बना दें, कैसे होगा बताइए। राजनेता इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को, बहुत लिमिटेड लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। बेसिकली क्या है ना, लोगों को अपनी छवि खराब होने का डर रहता है। अब जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, नाम तो मैं नहीं ओपन कर सकता, उनको क्या डर है, गुरु जी के पास जाएंगे और गुरु जी बैठा देंगे, अभी बैठ क्या बात, मैं कहीं का नेता हूँ, मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। लेकिन गुरु जी ने किसी और को बता दिया तो कोई कैमरा लगा रखो, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बेसिकली वो इस्तेमाल करते हैं 1.5 फुटिया का, जिन मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो उसके विषय में, लंबी चीज है। अच्छा। जितने अरबपति हैं खरबपति हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन 1.5 फुटिया का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा। ब्रह्म राक्षस वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे, इतना सा होता है। बता सकते हैं? एक्चुअली लंबा टॉपिक है। अच्छा। जी, ये जीवित जिन है, जीवित राक्षस। अच्छा। कलयुग का, उसका सतयुग का।
लास्ट में पूछना चाहूंगी कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के उस खून से भी काला जादू होता है या तंत्र होता है, उसकी क्या सच्चाई है? बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तरंगे निकालता है सिर के थ्रू। अब मेरे बाल तो छोटे छोटे से हैं, तरंगे लिमिटेड आएंगे। अच्छा, पुरुष जो लंबे बाल रखते हैं उनके तरंगे नहीं आते हैं क्योंकि उनके बाल पीछे कर रहते हैं। अब जैसे आप महिला हैं, आपके तरंगे चारों तरफ फैल रही हैं, तो आपकी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ओम श्री महादेवाय नमः मंत्र यहीं जा रहा है ना मेरा, तरंगे सूक्ष्म आई हैं क्योंकि आपकी तरंगे कितनी फैलेंगी सोचिए, आपके बाल सोचिए कितने लंबे हैं। प्लस दूसरा ये होता है, जो महावारी का दत्त है उससे हम काला जादू नहीं कर सकते, उससे हम जिसका दत्त है उसके ऊपर तो कर सकते हैं, किसी और के ऊपर नहीं। उससे आप किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा। और बहुत इजीली, क्षमा कीजिए मैं इसका दुरुपयोग नहीं करने दे सकता, उसे बता नहीं पाऊंगा आपको। करने का तरीका मत बताइए, लेकिन किस तरीके से क्या प्रभाव रहते हैं ये बताइए। एक छोटी सी वस्तु होती है, उसको उसके रक्त में भिगा के एक वशीकरण मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम लोना चमारी वशीकरणाय चा नमः। इसके मतलब आयु के हिसाब से जाप किए जाते हैं, मतलब लड़के की और लड़की की आयु काउंट की जाएगी, गैप काउंट किया जाएगा, उसको आपकी आयु से मल्टीपल किया जाएगा। मान लो लड़का 20 साल का है, आप 19 साल के, आप 18 साल के, 2 साल का फर्क है। अब 18 से हम 2 को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 36 आ गया, उतने जाप करवाए जाएंगे, तो उसको सुखाया जाएगा, उसको फिर लड़के खिलाया जाएगा। अच्छा। जी, और ये वशीकरण कभी नहीं उठ सकता, टूटता ही नहीं है अगर ना तोड़े कोई तो। तोड़ ही बताइए। तोड़ कुछ नहीं है खास, तोड़ तो सबसे बड़ा तरीका है गौमूत्र, गंगा जल, कच्चा दूध, इन सब में सुपारी घिस लो, साबुत सुपारी होती है, घिसने के बाद जीभ पे यहाँ लगा लो। अच्छा। कैसा भी वशीकरण हो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा। वो लगाओ, दिन में 3 बार लगाओ, खत्म। कितने बड़े से बड़ा हो, आत्मा वाला नहीं, सिर्फ वशीकरण। अच्छा, खत्म हो जी वशीकरण जो है। लेकिन अगर सामने वाले तांत्रिक ने उसको कील नहीं रखा तो, मतलब कीलन खोलना आपके बस का नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मतलब एक बार वशीकरण करने गया उसको भी कीलन कर दिया जाए। जैसे मैं करता हूँ किसी के लिए, मैंने करके छोड़ दिया, मान लो उसने, मान लो कोई गौमूत्र लगातार सेवन कर लिया, उसने लगातार माँ काली की रक्षा कवच पढ़ लिया, तो वशीकरण खत्म हो जाएगा उसका। अच्छा। तो पहले कीलन करूंगा ताकि उसको कोई खोल ना पाए। आजकल बड़े पोस्टर लगे रहते हैं बाहर पे कि अपने प्रेमी को पाए, ऐसा वाले तो, और बहुत सारे ऐसे कि रुका हुआ धन वापस आ जाएगा, तो ये चीजें असल में हो पाती है? होती है, लेकिन विधान ये नहीं है। अच्छा। अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति ये पोस्टर लगवा रहा है सड़कों पे, उसका खुद का लेवल क्या होगा? खोया धन वापस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। अच्छा। तो आ जाएगा, किसे पैसा ही नहीं है कहाँ से आएगा। तो कहें वो 10 लाख रुपए देते, 10 करोड़ निकलवा दूंगा। अरे भाई, सामने वाला 10 करोड़ है ही नहीं, निकलवाएगा कहाँ से। पहले पूरी जानकारी लीजिए, तरीका वो भी वशीकरण ही होता है। अच्छा। उसके दिमाग को इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि उसके में एक ही बात है, उसके पैसे दे, उसके पैसे दे, उसके पैसे दे। अच्छा। तभी नहीं मानता, उसको वीक किया जाएगा, उसको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वीक किया जाएगा। उसके माइंड में इतनी पॉजिटिविटीज बंदे के लिए डाली जाएगी कि उसको रहेगा पैसा नहीं दिया तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। ये तंत्र क्रिया के द्वारा संभव है, इसके उपाय होते हैं, आप भी कर सकते हैं, किंतु ये सब मैं नहीं राय दूंगा पोस्टर होस्टर पे जाने की। अगर आपके पास कोई आया कि गुरुजी हमको आगे पैसा चाहिए, पैसा खवाना है और हमारी भी जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही, तो तब आप कर सकते हैं कुछ उनके लिए? देखिए, मैं उनको कहता ये हूँ कि आज के टाइम में सबसे फास्ट जो धन देती है वो श्री विद्या देती है। अच्छा। श्री विद्या के 21 दिन आप जाप कीजिए, 10,000 जाप आप रोज कीजिए। आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हमारे ब्राह्मण बैठे, संकल्प कीजिए, आप इनसे जाप बैठाइए, 10,000 जाप रोज करिए, 3 ब्राह्मण बैठ के जाप करेंगे, 21 दिन आप आ जाइए यहाँ पे, यज्ञ करवाएंगे इसका, इस यज्ञ की बहुत ही ले जाओ, तिलक लगाओ, खाने मिला के खाओ, तिजोरी में रखो, 3 से 4 दिन मैक्सिमम रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या मंत्र होता है ये? होता है ओम ह्रीम त्रिपुर सुंदरी ग्रहे मम आगच्छे चा नमः, और बहुत अनेकों एक मंत्र, लेकिन खाली मंत्र काम नहीं करता। बेसिकली इससे पहले बहुत बड़ा इसका श्लोक होता है, इसे कहते हैं विनियोग। अच्छा। इसका विनियोग भी पढ़ने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, इसका कवच होगा,
इसका मूल मंत्र होगा, इसका आचमन भी जल से नहीं लिया जाता। अच्छा। इसका आचमन भी स्फटिक के माला से लिया जाता है, स्फटिक की माला से इसके यंत्र जाप किए जाते हैं। अच्छा। स्फटिक की माला अभिमंत्रित होती है, उसको आपको पहनाया जाएगा। गुलाब जल में आपको रात को रख देनी है, उसको नियम समझ लीजिए। ऐसा नहीं आप पहली छुट्टी रात को उतारो, गुलाब जल में डाल दो, सुबह उठकर फिर पहन लो। अब लोग आते हैं, गुरु जी मैं ये नहीं कर सकता, फिर परेशान क्यों है, रह परेशान, पैसे क्यों चाहिए, जब तेरे बस की ये नहीं है तो गुलाब जल में डाल के माला को सुबह पहन ले, तो इच्छा क्यों कर रहा है पैसे की, जा नियम तो निभाने पड़ेंगे जी। आपने स्फटिक बोला, स्फटिक जिनको नहीं समझ आया उनके लिए क्या है? स्फटिक बेसिकली पत्थर होता है, कांच का, कांच नहीं है, पत्थर, कांच जैसा पत्थर होता है, ट्रांसपेरेंट, किसी दुकान से मिल जाएगा, नकली मिलता है, ध्यान रखिएगा, उसको हाथ में पकड़ो ठंडा होगा, बिल्कुल पत्थर ठंडा होता है। किस किस तरीके के वशीकरण होते हैं और प्रयोग में किए जाते हैं? वशीकरण की विधियां हैं तीन, पहली सात्विक, केवल मन से पढ़ो, वशीकरण हो गया, दूसरी होती है तांत्रिक, यज्ञ के द्वारा संकल्प करके शक्ति देके वशीकरण होता है, ये लगभग तीन दिन में रिजल्ट देता है। तीसरा होता है उग्र तंत्र। उग्र तंत्र बेसिकली क्या है कि तीन चार विद्याओं का मिलन है, उसमें काली के यंत्र बनते हैं, दत्तात्रेय के मंत्र पढ़े जाते हैं, लोना चमारी के यंत्र बनते हैं वशीकरण के, और मोहिनी की आहुति डलती है। मोहिनी एक फूल भी आता है, या चमेली का फूल ले लेते हैं, या छुईमई का पौधा ले लेते हैं, ओम ह्रीम मोहिनी, अमुक में लड़की लड़के का नाम जो भी होता है, वशीकरणाय नमः, नमस्तुते, यज्ञ आहुति स्वीकार देते, मम कार्य शीघ्र फल ददामि सहा, मतलब ये वो क्रिया है जिसमें हम रिक्वेस्ट नहीं करते शक्तियों से, इसमें शक्तियों को आदेश देते हैं, रिजल्ट मुझे चाहिए और इस टाइम में चाहिए, बाकी दोनों रिक्वेस्ट की जाती है, आप मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए, ये लठ मार के या गोली मार के काम करवाने वाली बात है, बंदूक दिखाई काम कर, क्योंकि तीन चार शक्तियां हैं। अब तीन चार शक्ति को अगर यहाँ पे सिद्ध नहीं किया जाएगा, काम नहीं होगा, तो उनकी आम पे बात आएगी, तो आप होड़ लग जाती है, पहले कौन करेगा, आप समझिए ये तीन चार शक्तियों कॉम्बिनेशन है। बेसिकली अघोर पंथ क्या करता है, अघोर पंथ भी तो यही है, डरा के काम करवाने वाला, भाई मेरा काम करो ना, महाकाल शिकायत कर रहा हूँ तेरी, मेरा काम करो ना, महाकाल ही मारेंगे तुझे, डरा के काम करने वाला, ये होता है उग्र पंथ। तो गुरुजी जैसे कि प्रेडिक्शन आप करते हैं, प्रेडिक्शन के बाद लोगों की जिंदगी में बदलाव होता है, आपने कोई भी प्रेडिक्शन की, कुछ ना कुछ करने, आपने जो भी बताया उससे उनका जीवन बदल गया, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, होने वाला आपने पहले बता दिया, वो बच गए जी। तो ये प्रेडिक्शन कैसे संभव हो पाते? बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु जी आपने जैसे कि बोला, आप ज्योतिष भी हैं, वास्तु भी हैं, अगले किसी एपिसोड में एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और वास्तु के बारे में और ज्योतिष के बारे में, ये बारे में, इन दोनों के ही बारे में आपसे बात भी करेंगे, लोगों की जो समस्याएं होंगी जो वो भी आपसे पूछेंगे, तो एक बार फिर मुलाकात होगी। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत सारा जो है ज्ञान तंत्र का दिया, बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही अचंभे वाली भी है, ये सब चीजें होती हैं और ये कराई जाती हैं। तो और वशीकरण जो कि कई कई बार लगता है लोगों को फ्रॉड है जी, तो ये एक आई ओपनर है उनके लिए, क्योंकि ऐसा एपिसोड मिलता नहीं है लोगों को कि उनको पता चले हाँ कि वशीकरण असल में होता है, सही तरीके से किया जाए तो होता, नहीं भी तो नहीं भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।